हेलो माय ओवर डियर फ्रेंड, यार आप किसी भी रेडमी का फोन यूज करते हो, यानी कि आपका फोन रेडमी का है और उसमें जो नोटिफिकेशन लाइट आती है दोस्तों, यानी कि हमारा जो मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है उसके साइड में एक लाइट मिलेगी छोटी वाली, उसको नोटिफिकेशन लाइट बोलते हैं। यानी कि हमारे मोबाइल में जब भी कोई मैसेज आता है या फिर हम अपने मोबाइल को चार्जिंग में रखते हैं तो वो लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, यानी कि व्हाइट कलर की छोटी सी लाइट होती है दोस्तों, उसको ऑन ऑफ कैसे किया जाता है बताएंगे हमारे इस वीडियो में दोस्तों। उसके सेटिंग के बारे में बताएंगे कि वो वाली लाइट को आपको चार्जिंग में रखते अपने मोबाइल को तो वो वाली लाइट को आपको ऑफ रखना है, या फिर आपके मोबाइल में कोई भी मैसेज आता है तो वो वाली लाइट जो होती है नोटिफिकेशन लाइट, यानी कि जो ब्लिंक करते हैं व्हाइट कलर की लाइट, उसको ऑफ करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो बताएंगे पूरा प्रोसेस। अगर रेडमी नोट 5 यूज़ करते हो तो खास करके वो वाला सेटिंग बताने वाले हैं हमारे इस वीडियो में दोस्तों, तो बिना स्किप किए हमारे वीडियो को पूरी देखना। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों। हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, चले गए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आप किसी रेडमी का फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, खास करके रेडमी 5 यूज़ करते हो, तो जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा होता है, सेल्फी कैमरा होता है, उसके साइड में आपको एक छोटी सी लाइट मिलेगी दोस्तों, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन लाइट। यानी कि हमारे मोबाइल को हम जब भी चार्ज में रखते हैं, चार्जिंग करते हैं, या फिर उसमें कोई कॉल आता है या फिर कोई मैसेज आता है दोस्तों, तो उस टाइम पे वो लाइट ब्लिंक करने लगती है। यानी कि वो लाइट को हम ऑन ऑफ कैसे करेंगे दोस्तों, हम एक पिक में आपको दिखा देते हैं वो वाली लाइट कैसी होती है। ये देखिए कुछ इस तरह की लाइट आपको नज़र आएगी अगर रेडमी का कोई रेडमी फाइव मोबाइल यूज़ करते हो, और अगर रेडमी का कोई और फ़ोन हो और ये जो ब्लिंक लाइट आपको मिलते हैं नोटिफिकेशन लाइट बोलते हैं दोस्तों, इसको ऑन ऑफ कैसे किया जाता है बताने वाले हमारे इस वीडियो में दोस्तों, तो बिना स्किप किए हमारे वीडियो को पूरी देखना। ये देख लीजिए पिक में कौन से पिक में हमने आपको दिखा दिया कि उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन लाइट दोस्तों, तो इसको ऑन ऑफ कैसे किया जाता है दोस्तों। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है, और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको इधर नीचे के साइड में एडिशनल सेटिंग पे चले जाना है आपको दोस्तों, ठीक है, और फिर से इधर नीचे के साइड में आओगे दोस्तों तो इधर नोटिफिकेशन लाइट ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो इसको ऑन कर देना है, इसको क्लिक कर देना है। और ये देखिए अभी दोस्तों एक इधर ऑप्शन मिलेगा पहला लाइट अप फैन चार्जिंग, यानी कि अभी ये ऑफ है दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि क्या आप अपने मोबाइल को चार्ज में रखते हो तो लाइट ऑन रखना चाहते हो, तो इधर से परमिशन मांगता है। अगर इसको ऑन कर देते हैं दोस्तों तो यानी कि हमारे मोबाइल की नोटिफिकेशन लाइट होती है ऊपर के साइड में, जब भी हम अपने मोबाइल चार्ज में भराएंगे, चार्जिंग करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो लाइट होती है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये दूसरा वाला है दोस्तों ब्लिंक लाइट, यानी कि हमारे मोबाइल में जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी दोस्तों तो हमारे मोबाइल की जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगेगी, कॉल आएगा या फिर कोई मैसेज आएगा दोस्तों हमारे मोबाइल में, अगर इधर से ऑन रहेगा तो आपके मोबाइल में जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो ब्लिंक करने लगती है हमारे कैमरा के जो फ्रंट कैमरा होता है, हमारा सेल्फी कैमरा बोलते हैं, उसके साइड में छोटे से वाइट लाइट मिलेगी रेडमी फाइव में मिलती है दोस्तों। और रेडमी का कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो उसमें भी अगर आपको मिलती है तो इसको ऑन ऑफ इधर से किया जाता है, इधर से। ये देखिए अभी दोनों ऑफ है, यानी कि चार्जिंग में रहेगा या फिर नोटिफिकेशन आएगी हमारे मोबाइल की लाइट ब्लिंक करने लगेगी, इस दोनों को ऑफ कर देंगे दोस्तों तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी, यानी कि चार्ज में रखोगे फिर भी वो ऑन नहीं होगी, तो इसका सेटिंग इधर से किया जाता है। दूसरी बार हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है आपको, और इधर नीचे के साइड में आना है, और नीचे के साइड में आने के बाद इधर से दोस्तों आपको एडिशनल सेटिंग्स पे चले जाना है। एडिशनल सेटिंग पे चले जाने के बाद आपको मिलेगा एक ऑप्शन दोस्तों नोटिफिकेशन लाइट करके, नोटिफिकेशन लाइट को इधर से ऑन ऑफ किया जाता है, यानी कि दोनों ऑन रखना चाहते हो तो ऑन रख सकते हो, ऑफ रखना चाहते हो तो ऑफ रख सकते हो दोस्तों। तो हमारे YouTube चैनल पे ऐसे नए नए सेटिंग के बारे में वीडियो लाते रहते हैं, नए नए एप्लीकेशन के बारे में वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों, तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों, और हमारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कॉमेंट कर देना दोस्तों। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में ऐसे नए नए एप्लीकेशन के बारे में डिटेल लाते रहेंगे और सेटिंग्स के बारे में आपको बताते रहेंगे दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।